नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के आईएएस अफसरों ने सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना उचित नहीं समझा है। जी हां, जिसके बाद नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्र में अपर सचिव ज्योतिका पाटनाकर और प्रदेश अपर सचिव हेमंत राव और मनोज सिंह, सचिव के पद पर तैनात हरिओम रिग्जान सैफल, अजय शंकर पांडे, दिनेश कुमार सिंह, योगेश्वर राम मिश्र, नवीन कुमार, चंद्रभूषण सिंह, संजय कुमार खत्री, अनिल कुमार मिश्रा, चंद्रशेखर, मांगर प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह द्वितीय, राजेश कुमार त्यागी, शेषनाथ, आलोक सिंह, महेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार राय, रजनीश चंद्रा, अर्शन गरवार, महेंद्र सिंह तंवर, महेंद्र सिंह, पवन कुमार गंगवार, श्याम बहादुर सिंह, विशाल सिंह। ये नाम मैं इसलिए गिनवा रही हूँ क्योंकि ये नाम जो हैं इस नोटिस में दिखाए जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यूपी के जो आईएएस अफसर हैं वो अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो नहीं दे पाए हैं और ना उन्होंने देना उचित समझा है, जिसके बाद एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके बाद खलबली मच गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, यूपी के आईएएस अफसर, नोटिस जारी हुआ है, इन्हें बताया जा रहा है कि संपत्ति का ब्यौरा इन लोगों ने नहीं दिया है, देना उचित नहीं समझा या दिया ही नहीं है? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो 2.0 सरकार जब योगी आदित्यनाथ की आई थी तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि जीरो टॉलरेंस के लेकर के वो काफी सख्त हैं। और उसके बाद ही उन्होंने अपने निजी मंत्रियों को, जो मंत्री उनके हैं, सबसे पहले उनको बताया था कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें, और उसके बाद जो जितने भी सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव से लेकर विशेष सचिव और प्रशासनिक अधिकारियों को अपना संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन और सार्वजनिक करना पड़ेगा। इसको लेकर के कुछ लोगों ने, यानी कुछ अधिकारियों ने, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया था। इसमें कुछ मंत्री भी शामिल थे, लेकिन अभी कुछ जो प्रमुख सचिव हैं, जो पिछली सरकार में भी विशेष सचिव बन के रहे हैं, खास माने जाते थे इस बार भी, लेकिन उन्होंने अपनी कोई संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है, जिसको लेकर के एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें विशेष सचिव में बहुत से लोग शामिल हैं, जैसे अजय शंकर पांडे, योगेश्वर राम मिश्रा, रिग्जान सफेल, नवीन कुमार, चंद्रभूषण और राजेश कुमार, करीबन एक दर्जन से भी अधिक प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी की गई है कि उन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया है। इसमें केंद्र में अपर सचिव ज्योतिका पाटनाकर हैं, अपर मुख्य सचिव हेमंत राव, मनोज सिंह समेत करीब दर्जनों भर के प्रमुख सचिव हैं, जिनको एक नोटिस जारी की गई है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिनको अब नोटिस जारी हुआ है। और कब तक के लिए नोटिस जारी हुआ है, कितने दिनों में संपत्ति का ब्यौरा देना होगा? देखिए, फिलहाल जो अभी सबसे पहले सूचना आई थी वो ये है कि नोटिस इसको लेकर शासन की तरफ से जारी की गई है, और शायद इसको हाल ही में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रशासनिक, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। क्योंकि तो मुख्यमंत्री का साफ निर्देश था कि वो जनता को दिखाना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता उनको दिखाना चाह रहे थे कि अब जो करप्शन होगा वो इस सरकार में नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर के खड़का मचा हुआ है कि जब नोटिस जारी की गई उसमें एक दर्जन से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस से लेकर आईपीएस भी उसमें तमाम आ रहे हैं, उसमें लेकर के हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इस नोटिस को लेकर के वो कितना संज्ञान लेंगे और आगे किन किन पर गाज गिरेगी, कौन सी कार्रवाई होगी, और आगे लेकर के शासन क्या इस पे आगे कदम बढ़ाएगा, यानी मुख्यमंत्री कब इस पे ब्रीफिंग देंगे। हो सकता है इस पे मुख्यमंत्री संज्ञान लें और उनको नोटिस का ब्यौरा देना पड़े, या ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस पर कोई त्वरित कार्रवाई कर सके। ठीक है दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दर्जनों आईएएस अफसर, जैसे कि मेरी सहयोगी ने बताया कि संपत्ति का जो ब्यौरा है वो उन्होंने नहीं दिया है और ना ही देना उचित समझा है, जिसके बाद एक नोटिस उन्हें भेजा गया है। नोटिस का जवाब कब तक देना होगा ये अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही उन पर गाज गिर सकती है। आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। ताजनगरी आगरा में जानवर और इंसान के बीच दोस्ती का एक वीडियो सामने आया है। किराए पर रहने वाला परिवार जो मकान खाली कर कहीं और रहने जाने जा रहा था, तो उनके रिक्शे के पीछे मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स 5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रास्ते में दृश्य देखने वालों ने जानवर के प्यार की जमकर तारीफ की है। जानकारी के मुताबिक जगदीशपुरा के मार्ट स्टेट चौराहे के पास रहने वाला एक परिवार मकान खाली करके जा रहा था, लेकिन वहाँ के जो डॉग्स थे उनसे काफ़ी मेलजोल इनका रहा। परिवार का बच्चे भी खेलते थे डॉग्स के साथ, तो ऐसे में जब परिवार जा रहा था तो जो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और परिवार के पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अलीगढ़ में नाले के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पथराव हुआ है, पति पत्नी सहित दो की
मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस ने जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुआरसी थाना इलाके के देव सैनी गाँव की घटना। बुलंदशहर में हाईटेंशन लाइन पर कार्य करते समय करंट की चपेट में एक संविदा कर्मी आ गया। हाईटेंशन लाइन में हुए फॉल्ट को सही कर रहा था कर्मी। बिजली करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की हालत खराब हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर के नगर सिकंदराबाद और गुलाबटी में बिजली विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। नगर निवासी में हड़कंप मच गया है। नगर सिकंदराबाद के मोहल्ला गद्दीबाड़ा में लोग बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी शिकायत पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जैसे ही पहुंचे तो खलबली मच गई। मैंने जो है सीधे साहब, ये मेरी बात सुनिए प्रधान जी, आप मान मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आप कैमरा पे बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो। अपनी मैं उस प्रशासनिक भाषा में बात कीजिए। बिजली का मामला बताया, बिजली का मामला बताया। कम से कम गांव के 100 लोगों को मेरे लेटर पैड पे साइन हो गए। जो हमारे SDO साहब है जहीराबाद वाले, उनका ट्रांसफर होगा, मैं उन्हें दे के आया। उसके देने के बाद में फिर मैंने जो 3-4 महीने बाद में फिर लखनऊ कंप्लेन डाली कि हमारे यहाँ की 60 साल पुरानी लाइन है, आज दिन तार टूटते रहते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। आपके पास रिकवर लेटर आया वहाँ से कोई? मेरी बात सुनो जी, मैं उतना ब्लॉक में था जी, मेरे पास नहीं आया। शाना SDO जो है जी, उनके पास वहाँ से आया जी। मैंने ऑनलाइन डाला था। बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली विभाग कर्मचारी गांव में आकर अवैध उगाही करते हैं। ग्राम प्रधान ने विद्युत विभाग के लिए गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया है। SDO दिनेश चंद्र ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। SDO ने कहा कि मामले की जानकारी प्राप्त कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के थाना कूजानगर पुलिस द्वारा गश्त, मैंने जो है सीधे साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, भजनपुरा दिल्ली पुलिस की वर्दी धारण किए सरेराह जनपद के सड़कों पर घूम रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जनपद पुलिस द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वर्दी पहनकर ये व्यापारियों पर धौंस जमा रहा था। पूछताछ हुई तो पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बुलंदशहर के नगर गुलाबटी सैदपुर मार्ग पर हाईटेंशन लाइन पर आपस में भिड़े तार के चलते फॉल्ट हो गया। नगर में हाईटेंशन लाइन लगातार दीवारी के पटाखों की तरह गूंजती हुई नजर आई। गुलाबटी में कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। नगर गुलाबटी में अनेकों खंभों पर इस तरह का जमावड़ा लगातार लगा रहता है। नगर खंभों पर और भी ऐसे तार हैं जो सड़कों तक लटक रहे हैं। कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बुलंदशहर में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के वायरल वीडियो में एक शिक्षक की शिक्षा के प्रति घोर लापरवाही सामने आ रही है। शिक्षा मित्र आनंद गौतम बच्चों को क्लास में पढ़ाने के बजाय आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक यानी कि टीचर आनंद गौतम बुलंदशहर के शिक्षा विभाग से बेखौफ होकर क्लास में बच्चों को पढ़ाना छोड़ नींद को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे लापरवाह शिक्षकों के चलते बच्चों का भविष्य अधर में है। क्लास में सोते शिक्षक को देख क्या पढ़ाई कर पाएंगे बच्चे, ये बड़ा सवाल है। वायरल वीडियो में शिक्षा विभाग को खुलेआम मुंह चढ़ाता ये शिक्षक दिखाई दे रहा है। विद्यालय मुबारकपुर ग्राम सीकरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा की करोड़ों संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। बता दें कि गैंगस्टर के आरोपी हाजी रजा ने गैंग बनाकर सरकारी संपत्ति पर पिछले साल कब्जा जमा रखा था। SDM तहसीलदार सीओ थाने की पुलिस ने इसी गांव में पहुंचकर सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराते हुए जमीन पर सरकारी जमीन का बोर्ड लगवा दिया है। गदरपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि शंकर झा ने क्षेत्र के पशुपालकों को संक्रामक बीमारी खुरपका मुंहपका की वैक्सीन लगाने वाले की अपील की है। और इस मौके पर डॉक्टर रवि शंकर झा ने कहा कि केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजना है, जिसमें क्षेत्र के सभी जैसे पशु हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उनको ये वैक्सीन जरूर लगवाएं और घर घर जाकर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पूरी तरह निःशुल्क होगी ताकि
उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके। पशुपालकों से अपील की है कि टीकाकरण अवश्य कराएं। 25 जून से 25 जुलाई तक एक महीने का ये विशेष अभियान बताया जा रहा है। कन्नौज में खेतों में खुलेआम मक्के के अवशेष जलाए जा रहे हैं। हरसिरन ब्लॉक के गांव में किसान पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं। पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। दिन दहाड़े खेतों में ये फसल लदक रही है। विशेषज्ञ का कहना है कि जो फसल जल रही है, जो अवशेष हैं, वो गर्मी और प्रदूषण दोनों को बढ़ा रहे हैं। रोग के बाद भी किसान इसको बंद नहीं कर रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि अवशेष जलाने वालों पर चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ नुरैया सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारह वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुक्रवार से धीरज गायब था। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया। घर से कुछ दूरी पर खेत में धीरज का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना फतेहाबाद के कसाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा के थाना आत्मादौला में एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी ने हवालात में खुदकुशी कर ली। दुष्कर्म के आरोप में आरोपी लगातार यहां पर बंद था। आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही थी। पुलिस ने निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। हमें हॉस्पिटल में चमत्कार ने विज्ञान को झूठा साबित कर दिया। आत्मदौला क्षेत्र की रहने वाली महिला खुशबू सोमवार की सुबह डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो उसमें जुड़वा बच्चे दिखाए। डॉक्टर के पैनल जिसमें डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर नीलम यादव, डॉक्टर सुखदेव ने डिलीवरी के लिए महिला का ऑपरेशन शुरू किया तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स का पैनल हैरान रह गया। महिला ने ऑपरेशन के दौरान 4 बच्चों को जन्म दिया है। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने सड़क किनारे दुकान लगाए दुकानदारों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस होकर दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से आधा दर्जन लोग घायल हुए। स्थानीय दुकानदारों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हत्या के आरोपी थानाध्यक्ष के थाने में तैनाती दिखाई दे रही है। युवक की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या आरोपित पुलिसकर्मी पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा मेहरबान नजर आ रहे हैं। प्रत्येक दलित युवक के परिजनों ने थानाध्यक्ष, चौक इंचार्ज और 2 सिपाहियों के अलावा आधा अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी होने के बावजूद भी एसपी ने रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। कासगंज के बलराम नगर पंचायत में मानदेय न मिलने से परेशान सफाई कर्मचारी ने प्रदर्शन कर काम बंद कर हड़ताल कर दी। 5 दिन से लगातार हड़ताल जारी है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों में से सुनवाई करने के लिए नहीं पहुंचा। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुर के दिशानिर्देशन में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के प्रचलित दुराचारियों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, जिसके तहत हिस्ट्री चीटर पकड़े गए हैं और जो अभी गायब हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।